आज हम इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर इन इंडिया देखने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लूंगा तो ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप यदि प्लेलिस्ट में जाओगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के या बिजनेस एथिक्स के या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर। सबसे पहले सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंसेप्ट क्यों इवॉल्व हुआ पहले तो एक समझो कि ये कंसेप्ट अभी 10 20 50 साल पुराना नहीं है। ये इंडियन कल्चर में एंशियंट टाइम से चल रहा है। ये मौर्य हिस्ट्री, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो चाणक्य ने जिसकी मदद की थी, एक धनानंद नंद डिनेस्टी था जो खराब तरीके से अपना, बोलते ना, राजपाट और प्रजा को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का जो साम्राज्य है खत्म कर दिया और खुद का साम्राज्य एस्टैब्लिश कर दिया और उसको मौर्य डिनेस्टी या मौर्य का हिस्ट्री कहा जाता है। बहुत बढ़िया टाइम था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करने के लिए चाणक्य थे, उनमें भी बहुत अच्छी इंसानियत और कुशलता था मैनेजमेंट का। तो वहां पे सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल्स काउंट किया गया बिजनेस करने के लिए, और चाणक्य ने उस समय एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो आज तक मिलती है, अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स है। तो उनका, अब ब्रिटिशर्स ने जैसे लगान लेना शुरू किया, बारिश कम हुई है, आउटपुट कम या ज्यादा, वो देखते नहीं थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को अपने लगान से मतलब था, टैक्स से मतलब था, कर से मतलब था। बट चाणक्य ने जो किताब लिखा उसमें उन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉलो किया और इस प्रकार से टैक्स वहाँ पे भी था, कर जो बोलते हैं, लेकिन वो इतना छोटे रकम पे और आउटपुट पे था कि प्रजा को दिक्कत नहीं होवे वैसा बनाया था। तो इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द नहीं था उस टाइम में, लेकिन वो जो फॉलो करते थे वो आज के सीएसआर से कई गुना बेहतर था। ठीक है, आज जो साइंटिस्ट बोलते हैं ना प्लैनेट्स और ये डिग्रीज, इसकी बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले तो हमने पहले से ही, आप एस्ट्रोलॉजी के भृगु नंदी नाड़ी पराशरी ये सब देखोगे तो 3 4 हजार साल पहले अपने को सब पता था, जो अपने ऋषि मुनि इन लोगों ने सब लिख के रखा था, जो आज ये लोग साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं अपने देश के हिस्ट्री में, तो ये पहले से ही पता था। सो आप जब आंसर लिखोगे इसका, तो इवोल्यूशन आप मौर्य डिनेस्टी से करना, कि सीएसआर नाम नहीं था लेकिन उसके जो कंटेंट है देखा जाए तो वहां से शुरू हो गया था। सो एंशियंट टाइम्स में चैरिटी, पुअर, डिसएडवांटेज, अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आप दान धन्य दाम पुण्य करो, और ऐसा भी लिखा हुआ है आप घर की पहली रोटी गाय को दो, ये भी कहा गया है। ठीक है, आमदनी का 10% आप चैरिटी, दान धर्म पुण्य चैरिटी में करो। ये तो अपने स्क्रिप्चर, पुराने भगवत गीता, वेद, कितने पवित्र किताबें थे, ये तो अपने सनातन धर्म में पहले से लिखा हुआ है। जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका ख्याल रखो। एक बात बताता हूँ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, क्योंकि हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं गाय को। यदि उन्होंने मुझे बोला बीफ खा, मैं बोलूंगा मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, ऐसे सारे हिंदू मानेंगे। तो जो गाय हैं जिनको चोट लगी है उनके लिए बाकायदा गौशाला और जो है ना जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, ये देखा गया है। सो देखा जाए तो हमने इंसान ही नहीं, जानवरों के प्रति भी जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज जानवर है उनका भी ख्याल रखा, वो भी तो सीएसआर का एक बड़ा अंग है। ठीक है, और जब वक्त आगे बढ़ा, अब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, फिर ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को,
तो उनके समय तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो संबंध ही नहीं था, वो लोग देश को तो लूटने ही आए थे। तो ये जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने बहुत अच्छा, एक यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं एक ये बताता हूँ कि आप, आपका जो बिजनेस है आप सोसाइटी के एक अंग हो, सो आप सोसाइटी के रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की वजह से आप जिंदा हो। ये पहली बार जो उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखे उसमें से एक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपका बिजनेस आपको लगता है आपका है लेकिन आपका नहीं है, वो सोसाइटी का है और आप सिर्फ ट्रस्टी हो। ट्रस्टी मतलब आप बिजनेस को संभाल रहे हो एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो धंधा सोसाइटी का है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा ना, कैपिटलिस्ट शुड एक्ट एज ट्रस्टीज, वो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन एक्चुअल में आपकी नहीं है, समाज की है। तो आप समाज का सोच के उसको ट्रस्टी के रूप में संभालो और ऐसा बिहेव और बर्ताव करो प्रॉपर्टी का कि एक सोशली जवाबदार तरीके से। महात्मा गांधी मतलब आप सोचो, मौर्य डिनेस्टी, उसके बाद वक्त आगे बढ़ा, ब्रिटिशर्स ने पूरा लूट लिया तो वहां पे सीएसआर आता ही नहीं है। फिर महात्मा गांधी ने अपने लेख में, अपने बर्ताव से, अपने आश्रम से, अपने आचरण से ये सब प्रूव किया। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जो वेल्थ है, जो मेरा लेगेसी है ट्रेड और इंडस्ट्री का, ये मुझे घर चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, बाकी तो पूरा कम्युनिटी का है, सोसाइटी का है, उनके वेलफेयर के लिए। और जो बिरला, जो टाटा बिरला इतना सम्मान देते थे महात्मा गांधी को, और जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली में बिरला के ही आश्रम में या जो घर या वहाँ पे ही आई थिंक जो भक्त आए थे उनमें से एक नथुराम गोडसे थे। तो बिरला जो आज भी, बिरला इतने ग्रेट लोग हैं, आज भी मंदिर कहीं ना कहीं बनते रहता है एक बिरला का, वो लोग पुण्य तो आज भी चालू रखे हैं। अच्छा, आज़ादी के बाद अपने देश में क्या था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री था। आज आप आज भी कोई वेजिटेबल लेने जाओगे तो कई बार वेजिटेबल वाला एक हाथ फार्मर रहेगा, 1 किलो हुआ आपने बोला 960 990 ग्राम हुआ, तो ऐसा नहीं, वो बिंदास 50 100 ग्राम का एक्स्ट्रा डाल देंगे, वो इतना हिसाब किताब नहीं देखते हैं। तो वो लोग सोचते किसका है, सोसाइटी को ही जाना है ना, तो आज भी वो प्रेम से फॉलो करते हैं। तो भारत में 6 लाख गांव है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो धीरे धीरे इकोनॉमिक मॉडल आया, 6 लाख गांव सेल्फ सफिशिएंट आया। आज इंडिया 100% इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में है, इंटरनेट 2/3 देश में है, तो अगले 5 साल में आप देखो इंटरनेट 100% आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी 5 6 साल पहले पूरे देश में आ गया, कुछ गांव बाकी थे 25 30 हज़ार गांव, बीजेपी की गवर्नमेंट आई उन्होंने पूरा कर दिया, इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपना काम किया था। सो हर गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट लाया, आज 6 लाख गांव पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, रोड जोरदार बन रहे हैं। और फिर नो इंडिविजुअल शुड गो हंग्री, कोविड के टाइम में कैसे गवर्नमेंट ने फ्री अनाज, फ्री सिलेंडर, कितना सारा फैसिलिटीज दिया, महीने का आज भी फ्री मिलता है। महाराष्ट्र में जो बहन योजना है उसमें 1,500 है ना, लाडली बहन योजना, 1,500 रुपया गवर्नमेंट ट्रांसफर करता है गरीब महिलाओं को। यहाँ पे जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बढ़िया तो टाटा ग्रुप ने फॉलो किया, टाटा ग्रुप का नाम आया तो अपने फेमस, सबसे फेमस टाटा जो माने जाएंगे रतन टाटा, कल रात को देहांत हो गया उनका। तो आज टाटा का इतना नाम है दान धर्म पुण्य में, मुझे नहीं लगता आज तक तो टैक्स का 1 भी रुपया गवर्नमेंट ने उनसे रेट डाला होगा, क्योंकि टाटा हमेशा से देशभक्त और ईमानदार रहे हैं। आया समझ में, एयर इंडिया उन्होंने ही शुरू किया था फिर गवर्नमेंट को दे दिया, और जब वो लगातार लॉस में चल रहा था तो टाटा ने वापस गवर्नमेंट से खरीद लिया। आज एयर इंडिया, विस्टारा और एयर एशिया सब मर्ज हो जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले एयर एशिया शायद मर्ज हुआ, तो धीरे धीरे सब मर्ज होके एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया बन जाएगा पूरा, जिसमें एयर एशिया विस्टारा तीनों मिलकर एक समूह हो जाएगा। तो आज देश में इंडिगो और एयर इंडिया ही तो है, स्पाइसजेट बंद होने की कगार में, जेट एयरवेज बंद हो चुका है, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुका है। तो देखा जाए तो टाटाज, बिरलाज, मोदी,
गोदरेज इन सब ने बहुत अच्छा किया, सिंघानिया ने रेमंड्स के थ्रू कपड़ों के व्यापार के थ्रू, बजाज ने स्कूटर्स के थ्रू, गोदरेज कबाड़्स और इसके थ्रू काफी फेमस है, ठीक है ना। बिरला कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, आपके जो कपड़े हैं उसमें काफी वो आगे, वोडाफोन में वो लोग थे मुझे लगता है, कुमार मंगलम बिरला हेड है उसका, ठीक है। तो CSR ये सब कंपनीज ने, कुछ लोग, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं महात्मा गांधी से पहले चला जाता हूं। आपको पता है कौन सी वर्ल्ड की कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने 8 आवर वर्कशिप, शिफ्ट है ना जो काम का, 8 आवर्स, पहली कंपनी है किसने शुरू किया था? टाटा स्टील, 1913-18 के आसपास, फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और टाटा स्टील को देख के फिर फोर्ड ने शुरू किया, और फिर 8 आवर्स दिन का, नॉट द वीक, डे, 8 आवर्स, नहीं तो पहले 12-14 घंटा वर्कर से काम करवाते थे, टाटा स्टील ने शुरू किया। और जो PF फैसिलिटी और ये फैसिलिटीज देख के गवर्नमेंट ने कायदे लाए, मतलब टाटाज में आज तक मैंने स्ट्राइक कभी सुना नहीं। तो ये जो CSR का एक्टिविटीज टाटाज ने तो जब से कंपनी शुरू हुआ तब से शुरू किया हुआ है टाटा ने, ठीक है। तो आपने रिलायंस के ग्रुप में कभी स्ट्राइक सुना नहीं? एक आई थिंक एक एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आया था, तो अम्बानीज ने रिलायंस का प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उसको पहुंचाया। कई बार जब बाढ़ आपदा आता है तो ये लोग अपने हेलीकॉप्टर्स देते हैं, पार्ले जी कंपनी अपने दवाई देते हैं। आपने सुना है कोई मल्टीनेशनल कंपनी, डोमिनोज या पिज्जा हट, बाढ़ के टाइम में उन्होंने बोला हम सेवा देते हैं? ये तो इंडियन कंपनीज देते हैं, फॉरेन के कंपनीज तो कमाने आए। हाँ, उन्होंने 400-500 करोड़ बाजू में किया, अमेजन ने फॉर एग्जाम्पल, उनका टर्नओवर आप देखो कितना है, 1 लाख करोड़ के ऊपर होगा, उसमें 500 करोड़ क्या होता है, लगभग कुछ भी नहीं। और आप टाटा जी लोग दे दो, देख लो कितना सारा कंट्रीब्यूट करते हैं देश में, बड़े बिजनेसेस जैसे इमर्ज हुए हैं वैसे। और गवर्नमेंट ने कायदे से भी कंपनीज एक्ट 2013 में भी लाया कि आपको उतना 3 साल का नफा में से 2% ये सब करना पड़ेगा, तो झक मार के इनको करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे कंपनीज ने बिना कायदे के खुद से सेवा शुरू किया। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान लिया उन्होंने, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत सालों बाद हुआ। आज़ादी के 50-60 साल तक तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था, कॉरपोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट नहीं था, बिजनेस एथिक्स इतना डेप्थ सब्जेक्ट था बट उतना एप्लीकेशन नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने कायदे में लाया, उसके लिए सख्त कायदे बनाए, फिर कंपनीज, क्योंकि कंपनीज का मानना था हम लोग तो गुड्स बेच रहे हो, हमारा थोड़ी जवाबदारी है। गिने चुने कंपनीज जो टाटाज और बिरलाज और अम्बानीज और मोदीज और सिंगानिया ये लोग करते थे, गोदरेज, बाकी लोग कहाँ थे? अभी आपका टर्नओवर इतना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद से कंपनीज नहीं करते थे। वो लोग का लॉजिक क्या था, हम गुड्स बेचते तो सोसाइटी का गुड्स का रिक्वायरमेंट पूरा करते, तो हम क्यों करें? तो इसलिए गवर्नमेंट को कायदे लाने पड़े। फिर एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें CSR के कायदे लाए, कुछ 2-3 साल का प्रॉफिट का 2% हिस्सा आपको दान धर्म पुण्य करना पड़ेगा, आपको आपके वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। तो CSR सिर्फ चैरिटी और डोनेशन नहीं, आपके 5 लाख दिए भूल गए, कई लोग गांव के गांव संभालते हैं, स्कूल को स्पॉन्सर करते हैं, जो लोग के आंखें नहीं है उनको ब्रेल के बुक्स देते हैं, एडुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट के लिए उनको वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो अपने कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये हो गया है, और मैं मानता हूँ अपना देश सही दिशा में जा रहा है, लोगों के आँख खुल रहे कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि इवोल्यूशन जिस प्रकार से, वो आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यही नहीं, बहुत सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिजनेस एथिक्स ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसमें आप वीडियोज़ चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।